फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माय चैनल। तो यूजीसी ने एक न्यू अपडेट शेयर की है, वो मैं आपके साथ इस वीडियो में शेयर करूंगी। तो यूजीसी ने क्या किया, सारी यूनिवर्सिटीज़ के साथ बात की कि भाई कौन एग्ज़ाम कराना चाहती है, किसने करा दिए हैं, तो सबसे बातचीत की। उसके बाद जो है 640 यूनिवर्सिटीज से जो है उनको जवाब मिला, जिसमें से 454 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जो या तो एग्ज़ाम करा चुकी हैं या फिर अभी प्लानिंग उनकी चल रही है कि एग्ज़ाम उन्होंने करवाने हैं। 173 यूनिवर्सिटीज़ ऐसी हैं जिन्होंने कोई भी डिसीज़न नहीं लिया है कि वो एग्ज़ाम कराएंगी कि नहीं कराएंगी, उन्होंने यहाँ पे अभी कुछ भी डिसाइड नहीं किया है। 640 यूनिवर्सिटीज़ में से जो है ये दो यूनिवर्सिटी तो योगी 454 यूनिवर्सिटी है जो कराना चाहती है, 177 ने अभी कोई जवाब नहीं दिया, बाकी की जो बची 27। सो जो ये 27 प्राइवेट यूनिवर्सिटीज़ है जो इन्होंने 2019 और 20 के दौरान ही जो है अपना यूनिवर्सिटी इस्टेब्लिश की है, तो इस टाइम पे जो है इन्होंने बोला कि हमारा फर्स्ट बैच फाइनल ईयर का जो है परीक्षा कराने के योग्य नहीं है। और जो यूजीसी की जो रिवाइज गाइडलाइंस है उसके अकॉर्डिंग इन्होंने बोला था कि मैंडेटरी है जो है सितंबर के एंड तक जो है सारे कॉलेज सारी यूनिवर्सिटीज़ के जो है एग्ज़ाम हो जाने चाहिए, इससे जो है स्टूडेंट के फ्यूचर पर इफेक्ट पड़ेगा, उनके जो है फ्यूचर के लिए ज़रूरी है एग्ज़ाम लेना, उनकी डिग्री उनको तभी देनी चाहिए तब उनके एग्ज़ाम लिए जाएँ, उनको प्रमोट नहीं करना है। इसके अलावा दिल्ली हाई कोर्ट ने भी जो है केंद्र सरकार यूजीसी और दिल्ली यूनिवर्सिटी से जो है परीक्षा कराने की गाइडलाइंस को लेकर जवाब मांगा है। और शिक्षावादों ने जो है यूजीसी से कहा कि परीक्षा लेने का डिसीज़न जो है उसको लेकर जो है यूजीसी को दोबारा एक बार फिर से सोचना चाहिए, फिर से विचार करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे जो है स्टूडेंट की लाइफ मैटर करती है ना कि एग्ज़ाम मैटर करते हैं। इवन जो यूजीसी के पूर्व चेयरमैन थे सुखदेव जी, उन्होंने भी जो है उस लेटर जो लिखा गया है यूजीसी को उस पर साइन किए हैं कि इस चीज़ पर जो है दोबारा से सोचना चाहिए कि जो है इस टाइम पर एग्ज़ाम नहीं लेने चाहिए। सो शिक्षाविदों ने जो है यूजीसी के जो प्रमुख डीपी सिंह हैं उनको जो है लेटर लिखा है कि एग्ज़ाम कैंसिल हो जाएं और इस चीज़ पर जो है दोबारा से सोचा जाए, दोबारा से विचार किया जाए, स्टूडेंट्स के हित में जो है डिसीज़न लिया जाए। सो अभी तक जो है उस चीज़ का भी रिप्लाई नहीं आया है। और जो स्टूडेंट्स पूछते हैं कि रिपेयर वालों के लिए तो कोई बोल नहीं रहा, रिपेयर वालों का क्या होगा, तो मैं आपको बता दूं ये सारे ही स्टूडेंट की यहाँ पे बात हो रही है, फाइनल ईयर के स्टूडेंट जिन्होंने भी जो अब एग्ज़ाम देने थे जुलाई में, ठीक है, तो उन सारे ही स्टूडेंट को लेकर ये मुद्दा चल रहा है कि भाई प्रमोट करें या ना करें। ठीक है, अगर प्रमोट किया जाता है तो वो तो उसके बाद देखा जाएगा कि किस फॉर्मूले के बेस पर स्टूडेंट को प्रमोट किया जाएगा, कौन जो है अगर किसी के मार्क्स बन रहे हैं प्रमोट होने लायक तो उसको प्रमोट करेंगे, अदरवाइज जो है स्टूडेंट को नहीं करेंगे, वो तो उसके बाद की बात है। अभी सिर्फ मुद्दा इतना है कि प्रमोट किया जाए या फिर एग्ज़ाम लिए जाए। तो मुझे यही अपडेट आपके साथ शेयर करनी थी, जैसे कोई न्यू अपडेट आती है मैं ज़रूर आपके साथ शेयर करूंगी। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल फॉर डेली अपडेट्स। बाय बाय, टेक केयर, हैव अ गुड डे।